आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक बार गणेश जी महाराज ने सोचा क्यों न धरती लोक पर जाकर धरती लोक के मनुष्यों की परीक्षा ली जाए। ऐसा सोचकर गणेश जी महाराज धरती लोक पर आ गए और वे एक राजा के बाग में से जा रहे थे कि उनसे गलती से एक फूल टूट गया। अब गजानन जी महाराज ने सोचा, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा और इस प्रायश्चित के लिए इनके यहाँ काम करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर गणेश जी महाराज ने एक छोटे से बच्चे का रूप धरकर राजा के घर नौकरी कर ली। एक समय रानी जी सोच क्रिया से निर्वत होकर हाथ पानी से धोने लगी। विनायक जी महाराज ने देखा तो बात बानी हाथ से गिरवा दी और रेत से हाथ धुलवा दिए। तो रानी को गुस्सा आ गया और राजा से जाकर बोली कि ये कैसा नौकर लाए हो जो हर काम में टांग अड़ाता है। राजा ने डांटा तो बालक बोला कि कभी अशुद्ध हाथ भी बानी से धोते हैं क्या? बानी में तो लक्ष्मी जी का वास होता है। राजा बोला, बात तो सही है। एक दिन राजा जी बोले कि गजानन, रानी को पुष्कर का स्नान करा ला। तो पुष्कर दोनों गए, रानी लोटा लोटा नहाने लगी। गजानन जी ने हाथ पकड़कर रानी को डुबकी लगवाकर स्नान कराया। रानी ने महल आकर राजा से इसकी शिकायत करी कि बढ़िया गजानन लाए हो जो मुझे पुष्कर में डुबो देता। राजा ने उसे डांट लगाई तो गजानन बोला कि राजा जी, पुष्कर जाकर तो डुबकी लगानी चाहिए, लोटे लोटे नहाना था तो घर पर ही बहुत है। राजा बोले कि बात तो सही है। अब राजा ने हवन करवाने की सोची। हवन में बैठने के समय गजानन जी को भेजा कि तू रानी को बुलाकर ले आ। गजानन जी गए और देखा कि रानी ने काले रंग की साड़ी पहनी है। गजानन जी ने साड़ी फाड़ दी और तो रानी रूठ कर बैठ गई और आई ही नहीं। राजा बुलाने गए तो रानी बोली कि इस गणेशिया ने मेरे साथ भद्दा मजाक किया है। राजा ने फटकार लगाई और बोले कि क्या कुबुद्धि करी है तूने। गणेशिया बोला कि राजा जी, कभी भी शुभ काम करते समय काले नीले कपड़े पहनकर नहीं बैठते, इसमें तो लाल चुनरी पहननी चाहिए, इसलिए मैंने फाड़ दिया। राजा ने विचार किया कि बालक छोटा सा है पर बड़ा होशियार और समझदार है। हवन में बैठने लगे तो गणेश स्थापना में देरी हो गई। राजा ने कहा, गणेश जी बैठाओ। गणेशिया बोला कि राजा, आंखें बंद करो। इतने में गजानन जी ने दर्शन दिए। ऊंध उंधेड़ा दून दुंधेड़ा ओछी पिंड्या एनकारा और राजा जी के खूब अन धन लक्ष्मी जी का भंडार भर गया। राजा बोले, हे गजानन जी महाराज, हमने इतने दिन आपसे काम करवाया, हमें बहुत दोष लगेगा। गजानन जी बोले कि आप चिंता मत करो, मैं एक बार आपके बाग से गुजर रहा था,
तो मुझसे गलती से एक फूल टूट गया था, इसलिए मैंने प्रायश्चित किया है और राजा रानी को गणेश जी महाराज आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। राजा रानी के घर अन्न धन के भंडार बन गए और सब तरह सुख सुविधा खुशियां ही खुशियां हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने राजा रानी को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो।